हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ सैमसंग फ़ोन में दोस्तों कीबोर्ड सेटिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कीबोर्ड सेटिंग हम कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और कैसे कीबोर्ड को कहीं रीसेट कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन कीबोर्ड सेटिंग को। आप रीसेट करना चाहते हो दोस्तों, आपके जो कीबोर्ड सेटिंग होगी टोटली जो है वो चेंज है और आपको ये यूज़ नहीं करना है, तो आप इसको कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हो या कीबोर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपके अगर कीबोर्ड हैंगिंग प्रॉब्लम है या लैग प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो कीबोर्ड अपने सैमसंग फ़ोन में, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। तो हम सेटिंग ऑन कर लेंगे। सेटिंग ऑन करने के दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस शो होएगा, तो आपको स्क्रॉल कर लेना है और आपको जनरल मैनेजमेंट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जनरल मैनेजमेंट दोस्तों जैसे ही मैं ऑन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो जो आपकी कीबोर्ड लैंग्वेज है वो यहाँ पे शो हो जाती है। आप कोई भी लैंग्वेज और सॉरी गाइस, पहले आपको सैमसंग कीबोर्ड लैंग्वेज सेटिंग पे सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है गाइस। दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेंगे, सैमसंग जो कीबोर्ड सेटिंग है इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जो आपकी जो कीबोर्ड लैंग्वेज है आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज को यहाँ से ऐड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों पहले तो मैं अपनी जो थीम वगैरह ये सब आप देख सकते हो, जो सेटिंग है हाई कॉन्ट्रास्ट है जो की है वो ऑन है मेरा, आप उसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको दिखेगा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो दोस्तों जो कीबोर्ड सेटिंग है दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है रीसेट कीबोर्ड सेटिंग पे और रीसेट कर देना। रीसेट करने का दोस्तों आपके कीबोर्ड जो हैंगिंग प्रॉब्लम है और जो भी दोस्तों आपकी जो थीम वगैरह चेंज थी दोस्तों डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, आप अपना कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है दोस्तों ऑन हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा या हिंदी लैंग्वेज नहीं है, हम इसको नहीं यूज़ कर सकते गाइस। और आप देख सकते हो सब कुछ जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा हमारे सैमसंग फ़ोन में, कीबोर्ड जो है सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, जो कि जो मैंने हिंदी लैंग्वेज को ऑन कर रखा था वो भी ऑटोमेटिक हट गई है, ऑफ हो गई है मेरे सैमसंग फ़ोन के कीबोर्ड में। तो दोबारा दोस्तों आपको यूज़ करनी है तो दोस्तों आपको दोबारा आके लैंग्वेज पर इनपुट करना पड़ेगा और कोई भी लैंग्वेज को आप यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हो अपने सैमसंग फ़ोन में कीबोर्ड में। तो ऐसे ही दोस्तों हम अपने कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कीबोर्ड को रीसेट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट है गाइस, आपको सैमसंग फ़ोन को लेके या कीबोर्ड को लेके या कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ऑलरेडी गाइस मैंने बहुत सी वीडियो बना चुकी है, बहुत वीडियो दोस्तों मैं बना चुका हूँ अपने सैमसंग फ़ोन के बारे में। दोस्तों आप वहाँ मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम को आप सर्च करके फाइंड करके सॉल्व कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।